नमस्ते भारत, आप सब लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हूँ। तो निवेदन सबसे पहले वही कि आप सब लोग प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई वीडियो या रील अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। विषय पर जाने से पहले अपनी सभी सुहागन बहनों को मैं करवा चौथ के पावन पर्व की अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। आप अपने पति और अपने तमाम परिवार के साथ स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, ऐसी आज मैं व्रत के दिन व्रत रखते हुए ईश्वर से कामना कर रही हूं। हिंदुस्तान आज इतवार का जो आगाज था राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर, वो एक बॉम्ब धमाके के साथ हुआ। दिल्ली में एक इलाका है जिसको रोहिणी नाम से जाना जाता है। रोहिणी के अंदर एक इलाका है प्रशांत विहार। प्रशांत विहार में सीआरपीएफ का एक स्कूल है और सीआरपीएफ स्कूल के बाहर यानी उसके बाउंड्री वॉल में आज सुबह 7:30 से 7:45 के बीच एक बहुत तेज धमाका हुआ। धमाके की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि इससे आसपास के लोग दहल गए। जो दुकानें थी उनके शीशे टूटे हैं, जो गाड़ियां पार्क्ड थी उनके शीशे चटक गए। यहां तक बताया जा रहा है कि घरों के शीशे भी चटक गए हैं। और जब यह धमाका हुआ तो उसके बाद एक धुएं का, एक गंदगी का जो गुबार है वो आसमान की तरफ उठ गया। सफेद रंग का गुबार जो था वो आसमान में उठ गया था और वो इतना उसकी स्मेल थी, उसकी बदबू थी कि लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी उस धुएं के कारण। लोग दहल गए, लोग घबरा गए। किसी ने फिर पुलिस को फोन किया, पुलिस मौके पर आई। जो थाने के SHO थे प्रशांत विहार के, वो आए। उसके बाद पूरी स्थिति को चेक किया गया और थोड़ी देर में ही वहां पर NSG के कमांडो ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। NIA भी मौके पर आ गई, FSL की टीम भी मौके पर है। सारे जो सबूत हैं उनको कलेक्ट किया जा रहा है, ऑब्वियसली फॉरेंसिक जांच उन सबकी की जाएगी। ये धमाका कैसे हुआ, इसका सोर्स क्या था, किसके द्वारा किया गया, इसकी अभी जानकारी नहीं है। ये मामला इन्वेस्टिगेट हो रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि वहां पर कोई सफेद रंग का पाउडर मिला है। अब ये पाउडर क्या था, ये किसी प्रकार का कोई बॉम्ब से निकला हुआ सफेद पाउडर है, क्या है ये तमाम चीजें ही अब इन्वेस्टिगेट की जा रही है। अमित गोयल जो DCP है इलाके के, उन्होंने बोला है कि पता लगाने के लिए इस बॉम्ब धमाके की असलियत और इसके पीछे का सोर्स और इसके पीछे के लोग, अब मामला इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। एक्सपर्ट्स की टीम बुला दी गई है और क्यों धमाका हुआ, किसके द्वारा धमाका हुआ, क्या इंटेंशंस थे, वो सारी चीजें पता लगाई जा रही है। ऑब्वियसली लोगों के मन में अब एक प्रश्न चिंता के तौर पर घूम रहा है कि किसी षड्यंत्र का यह आगाज तो नहीं है, किसी बड़े षड्यंत्र को का कि शिकार तो दिल्ली नहीं होने जा रही है और उसका ये ट्रायल तो नहीं था। हालांकि मैं ये जानती हूं कि ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि इस मामले की तह तक इन्वेस्टिगेट करके जो भी लोग दोषी हैं, जो भी एजेंसीज इस धमाके के पीछे हैं, उनको डेफिनेटली पकड़ लिया जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस धमाके से एक सुराग सा हुआ है वो बाउंड्री वॉल के अंदर, वो दिखाई दे रहा है स्कूल की, और ये शीशे वगैरह चटके हैं, लेकिन कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ है, किसी को जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। और इसके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूं कि वहां पर उस समय सुबह सुबह का समय था, इतवार था, तो कोई मौजूद भी नहीं था। अगर सोमवार मंगलवार होता, स्कूल होता, बाकी लोग होते तो स्थिति भयावह हो सकती थी। तो इतवार के दिन यह धमाका हुआ, जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, यह बहुत राहत की बात है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अहम खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है जो राष्ट्रीय राजधानी से आ रही है, तो मुझे लगा कि तुरंत ही इस विषय को मुझे आप लोगों के बीच में रखना चाहिए। तो आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर भेजिएगा, किसी को कोई जानकारी हो इस विषय पर तो जरूर मैसेज के माध्यम से पहुंचाइएगा आप लोग मुझ तक। मैं अपनी वाणी को इस वक्त इस वीडियो के लिए विराम दे रही हूं। निवेदन फिर से वही कि प्लीज आप सब लोग मेरे YouTube चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, वंदे मातरम।